तो हमारे बाजारों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आउटलुक लेकर आया हूँ पहली चीज तो एक है बाय ऑन एवरी डिप की स्ट्रेटेजी हमारे बाजारों में रखनी ही रखनी है ठीक है बिल्कुल रखनी है बिल्कुल नहीं पहली दो हजार 2024 में 24000 के आसपास के टारगेट है वैसे टारगेट में ऑनेस्टली बताऊं तेबिस पांच के आसपास के तेबिस पांच से 24000 की रेंज के टारगेट लेकिन बोलने में 24 में 24 अच्छा लगता है तो और आजकल मार्केट आप जो टारगेट रखो उसको और ऊपर जाने की कोशिश करता भी है तो मैं चौबीस में चौबीस के टारगेट लेकर चल रहा हूँ एक हल्की-फुल्की गिरावट चुनावों के पहले आ सकती है अच्छा हाँ। वो बजट के पहले आए या बजट के बाद में चुनाव के पहले आए ये कहना मुश्किल है एग्जैक्ट टाइम करना मुश्किल है लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी ओके एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक तरफा तेजी के बाद और स्पेशली जब आपको पता है कि आप ये मान के चल रहे कि चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे कि वापस से यही सरकार आने वाली है प्लस सीटों के साथ आने वाली है वो इलेक्शन के रिजल्ट बाजार डिस्काउंट करने शुरू कर देगा yes, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इलेक्शन के पहले एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या बन सकती है hmm. और थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट ना मिला हो समझो तो दोनों मिलाकर अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो एक गिरावट आएगी उस गिरावट में आपको करनी है खरीदारी उस गिरावट में पहला और मजबूत सपोर्ट जो है वो मैं आपको बता दू बीस चार से बीस आठ सौ पुराना लाईफाई आपको याद होगा बीस चार के आसपास का था वहां से हमने एक नया ब्रेकआउट देखा नया लाइफ लाईफाई बनाया चुनाव के नतीजे के बाद अब वो आपके बड़े सपोर्ट का काम करेगा तो, तो अगर बीस चार सौ बीस पहला एंट्री पॉइंट हो जाएगा, एंट्री पॉइंट जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी हमेशा बताते ही हो तो। लेकिन अभी होगा छह महीने में जो भी बने चुनाव के पहले ठीक है वहां से मार्केट कम से कम पंद्रह परसेंट की तेजी दिखा सकता है अच्छा हाँ दस से पंद्रह परसेंट आराम से तेजी दिखा सकता है अब वो पहले छह महीने में बॉटम बीस चार सौ बनाता है वहां से पंद्रह परसेंट इक्कीस हजार बनाता है या उन्नीस हजार बनाता है जो भी बॉटम बनाया लेकिन बॉटम में अगर एंट्री हुई तो आपकी पंद्रह परसेंट की कमाई बन सकती है समझो बॉटम में नहीं भी हुई तो अभी दस बारह परसेंट आप इंडेक्स लेवल पे आराम से एक बार मौका देखकर कर बना पाए सकता है आ, ये ये इस बार दिखता है रिस्क एक ही थी रिस्क ये है कि इन सारी स्ट्रेटजी में जो बीस चार सौ बीस आठ सौ सपोर्ट है ये सारे क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वो अंदर से उठा उठा के अपने हिसाब से बाद में चलाएंगे भी कभी ऊपर नीचे हो गया तो रिस्क एक ही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तीन प्लस सीट आना जरूरी है मिनिमम कई बार ये भी हो सकता है समझो फॉर एग्जाम्पल ढाई सौ सीट आए सरकार तो बन जाएगी Correct. लेकिन बाजार तो ढाई सीट पर रिएक्शन नेगेटिव दे देगा बिल्कुल है ना देगे और देगे। अगर इलेक्शन के पहले साढ़े तीन सौ के अंदाज से जा रहे हैं और तीन सौ या हाँ। तब भी सरकार तो आराम से बन रही है लेकिन हो सकता बाजार भागे ना तो इलेक्शन के रिजल्ट एक सबसे बड़ी आपकी वो, वो है। एक है एक चीज जो ध्यान चाभी है। वही है जी ठीक है अदरवाइज आप कह रहे हैं चौबीस का आपका लेवल आ रहा है पंद्रह बॉटम से भागेगा क्या कुछ सपोर्ट करेगा बाजार की इस रैली को ट्रिगर्स क्या होंगे तीसरी महाशक्ति आर द बेस्ट बिल्कुल मेक नो मिस्टेक सब इकोनॉमी अपनी जगह कम, कम ही अपनी पेसे पेसे से कम कमाई अपनी जगह है काम पैसे का पैसे से ही चलता है दीप और ये पैसा लगाने वाले हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है इन्होंने पूरा बाजार को संभाला है जब एफ आई एस बेचे तो ये एकदम मूछ पर ताव देकर खड़े थे और इस साल भी यही संभालेंगे अच्छा घरेलू इन्वेस्टर्स का जो पैसा आया है सत्रह हजार करोड़ की एस अगर आपको लगती है की बड़ी तो ये कुछ नहीं है इस साल ही आप बीस करोड़ के पार भी एस को जाते हुए देखेंगे हर महीने जिस तरह ये कुछ भी नहीं है बीस करोड़ आपके डीमेट अकाउंट भी इसी साल आपको नजर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है ना तो so, ये होने वाले ही है और जब घरेलू इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा लगाएंगे तो एफ आई कहा जाएंगे, जाएंगे। यही आएंगे <laughs> कहा जाएंगे यही आएंगे ये भी पैसा लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। विदेशी निवेशकों की भी खरीदारी आने की पूरी पूरी संभावना है लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद है 300 प्लस सीट की उम्मीद से मार्केट अभी लेकर चल रहा है तीन राज्यों के चुनाव के नतीजे का ट्रिगर होगा इसके अलावा इकोनॉमी मजबूत है कोई तो डाउट ही नहीं टैक्स कलेक्शन चाहे जीएसटी के हो चाहे इनकम टैक्स के हो एडवांस टैक्स के नंबर आप देखिए सारे रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं है। है। चल रहे है। तो डेटा पॉइंट सारे ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी में मजबूती है और ये आगे बाजारों को तेजी देगी ठीक है

साढ़े बाईस तेईस हजार है फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोलिटिकल सिचुएशन है और साढ़े तेईस हजार आप तेईस हजार लेके चल रहे तो इसका मतलब क्या है आप ये मानकर चल रहे हैं सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ सीट आएगी तब तीन सौ भी आ जाए तो तो भी सही बात आपको कम लगेगी सही बात ढाई सौ आ जाए तो दो हजार पॉइंट तो स... खींचकने में टाइम ही नहीं लगेगा करेक्ट अलग ही सिचुएशन हो जाएगी है ना ढाई सौ आगे तो बीस परसेंट भी निकाल दे कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सरकार तो बाद में बन जाएगी कौन पीएम बनेगा नहीं वो तो सेकंड मार्केट को तो रिएक्शन तुरंत ही दे, दे देना है नतीजे देखते ही इमिजिएटली आएगा है कि नहीं सो आई थिंक एक जो सबसे बड़ा हमारे की ट्रिगर है अगर खराब होना है तो लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना आए और बाहर से एक ही रिस्क है कि अमेरिका में ब्याज दरें ना घटे और अमेरिकी बाजार हायर फॉर लॉन्गर रहकर कहीं पिछला साल तो रेजिस्टेशन बचा गया अगर इस साल इकोनॉमी नहीं कि देखो अल्टीमेटली लंबे समय तक आप नहीं टिक सकते हायर इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट रेट बॉन्ड मार्केट में कमागी लेकिन वैसे ऑफिशियली कमाना जरूरी है अगर वो कम हो जाती है तो ठीक है नहीं तो फिर अमेरिका से रिस्क ब्याज दरों की है और हमारे यहां देश चुनाव के नतीजों चुनाव के नतीजों की ये दोनों चीजें और युद्ध ये जो चल रहे हैं दो दो युद्ध हमने वैसे दो साल में पचा लिए हैं चल रहे हैं पता नहीं उसका क्या है ठीक है इतना अभी वो नहीं है पचल के पास ओके